हे एवरीवन, चलिए आज ईद के लिए हम ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं पिस्ता, काजू और बादाम लिया है मैंने, दो दो पैकेट्स। और फिर इसे मैंने एक पतीली में निकाल लिया है, कुछ बर्तन उसमें निकाल लेना है इसे, और फिर गर्म पानी में इसे सोक कर देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे गर्म पानी में सोक कर दिया है। अब 2 घंटे के बाद हम क्या करेंगे ना, इसका छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने छन्नी में रखा, और जब इसका पानी अच्छे से स्ट्रेन हो गया तो फिर मैंने इसका छिलका निकाल लिया। और कुछ इस तरह से दो तरीके से मैंने चॉपिंग शुरू कर दी, ये वाले ग्रेटर की हेल्प से और नाइफ़ की हेल्प से। तो मैं दोनों तरीका आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे ग्रेट करना है, इसके ऊपर हाथ संभाल कर करें, तो एंड का जो पार्ट्स रहता है ना तो वहाँ पर संभाल कर करें, वरना हाथ में कट्स लग जाएंगे। सो जो हमने ग्रेटर की हेल्प से किया है ना, तो कुछ इस तरह से राउंड राउंड शेप में रहेगा। और देखिए मैंने इतने कट कर लिए हैं, इतने चॉप कर लिए हैं पिस्ता भी और बादाम को भी। और देखिए मैं आपको जो नाइफ़ की हेल्प से कटिंग है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले बादाम को और पिस्ता को बीच में से इस तरह से आप डिवाइड कर लें, दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें इस तरह से। और फिर सामने से इस तरह से हम नाइफ़ की हेल्प से कट करते जाएंगे, बिल्कुल संभाल कर करें। इसमें भी एक मरतबा जब आपको हैबिट हो जाएगी ना तो बहुत ही ईजिली कट होगा। ये टोटल मुझे टाइम लगा, 1.5 घंटे का टाइम लगा पूरी चॉपिंग करने के लिए। लेकिन जब स्पेशल मौका ना, जब हम शॉपिंग के लिए इतना टाइम देते हैं और चीज़ों के लिए इतना टाइम देते हैं, तो फिर इतना स्पेशल जो फेस्टिवल है ईद, उसके लिए भी हम जो शीरकुरमा वगैरह बनाएंगे तो उससे भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मतलब कि चॉपिंग के लिए। सो यहाँ पर देखिए मैंने इतने कट कर लिए हैं और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको तो इसी लगे आपको इसे कट करें। सो इसे 1.5 घंटे में मैंने पूरे कट कर लिए और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कट हुए, बहुत ही फिनिशिंग से कट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो आपने इसे से प्लेट्स में ही रहने दे और ट्रे में रहने दे, और फैन के नीचे इसे रखकर सुखा ले, ड्राई कर ले। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए, तो आप इसे डब्बे में स्टोर करें और फ्रिज में रख दें, तो आराम से 6 महीना चलेगा। वैसे तो ये ईद वाले महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।